दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में है हमारे पास रियलमी 5 फ़ोन, जिस पे प्रॉब्लम है दोस्तों कि इस पे डिस्प्ले लाइट का इशू है। फ़ोन तो ऑन होता है, यहाँ पे रियलमी लिखा हुआ भी आता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि इस पे डिस्प्ले की लाइट नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि अगर रियलमी 5i में किसी में भी डिस्प्ले लाइट का इशू हो तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं इसके फंक्शन के भी बारे में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इसका लाइट सेक्शन वर्क करता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास एक भाई साहब का फ़ोन आया है जो कि रिपेयरिंग के लिए आया है। अब सबसे पहले हम इस पर देख लेते हैं कि काम क्या क्या हुआ है बाहर से ही, इसके बाद हम लोग इसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे इसमें क्या क्या काम हुआ है, जो कि अच्छे से डिटेल में दिखेगा। दोस्तों मौसम जैसा कि बरसात की वजह से पानी चढ़ता उतरता है, तो हमारा सर्दी खांसी भी हो गया है, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर हम इसके लाइट की बात करें तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे इसका लाइट सेक्शन है, ए वाला एरिया, यहाँ पे शील्ड लगा होता है और इस शील्ड के अंदर लाइट सेक्शन है। ये है इसकी PMI 632 नंबर की IC लगी हुई है और ये है इसका लाइट IC है दोस्तों। ये है इसका बूस्ट कॉयल और ये है इसका बूस्ट डायोड, और ये भी एक छोटा सा हमारा कॉयल ही है जो कि इस लाइट सेक्शन के LED प्लस यानी कि LED एनोड के सेक्शन पे लगा हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई हमारे डिस्प्ले कनेक्टर तक पहुँचती है। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब आप अच्छे से देखेंगे तो एक इसका एक TP पॉइंट दिया हुआ है जो कि इसका नॉच कट पॉइंट है इस लाइट IC का। और ये लाइट IC जो लैग वाली लाइट IC होती है, इस नॉच कट पॉइंट से उल्टा इसका बॉल्स को गिना जाता है, यानी कि एक नंबर यहाँ से होगा, दो नंबर बीच वाली है, तीसरा और इधर से ये चौथा और ये पाँचवा और छठे नंबर की पिन। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम इसे चेक करेंगे तो इस सब का हम रीडिंग लेंगे, जो कि अभी मैं आपको रीडिंग लेके भी दिखाने वाला हूं और आगे भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको लाइट सेक्शन के बारे में एक एक चीज़ डीप में मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, इस 6 नंबर के IC पे, जो इसका ये लेग IC है, इसके 6 नंबर के बॉल पे हमारा BPH पावर एंट्री होता है, यानी कि इस लाइट IC को वर्क करने के लिए एक वोल्टेज चाहिए और दूसरा चीज़ इसको कंट्रोल करने के लिए एक CPU मास्टर IC चाहिए और तीसरा चीज़ इसको फीडबैक चाहिए यानी कि ग्राउंड, तभी ये जाके वर्क करेगा। तो इस IC को वर्किंग के लिए सबसे पहले 6 नंबर पे BPH पावर हमारा सप्लाई आता है, जो कि इस IC से आता है। और ये 6 नंबर की IC हमारा इस कॉयल पे आता है, सबसे पहले IC में आएगा, IC के बाद इस कॉयल में जाएगा और इसके बाद इस IC से स्विचिंग होके कॉयल के इस तरफ इस साइड आएगा और यहाँ से यहाँ पे एक देखिए डायबोर्ड लगा होता है जो कि यहाँ पे नहीं है, इसे हम रेक्टिफायर डायबोर्ड बोलते हैं, और इस डायबोर्ड में होके हमारा करंट यहाँ पे इस बूस्ट कैपेसिटर के पास पहुँचेगा और यहाँ से हमारा आउटपुट होगा 24, 28 और 20 वोल्टेज से ऊपर ही आता है, वो हमारा बूस्ट वोल्टेज होता है जो हमारी LED लाइट को एक्टिव करता है और हमारे फ़ोन में ग्राफिक दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हम इसे आपको माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखाते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे ये इसका LCD कनेक्टर है और LCD कनेक्टर का दूसरा नंबर पिन जो है हमारा LED प्लस का है, तीसरा छोड़ के चौथा और पांचवा हमारा एलईडी कैथोड का, सातवां और आठवां नंबर छोड़ के नवा नंबर हमारा PWM का है जो कि हमारा इनेबल सिग्नल है। चलिए मैं आपको माइक्रोस्कोप पे दिखाता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है एलसीडी कनेक्टर। और इसके बाद हम इसके पीछे चले जाते हैं तो ये है हमारा लाइट सेक्शन, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं कि अगर लाइट का इशू है तो सबसे पहले हम इसके कनेक्टर तक चेक करते हैं कि कौन सी सप्लाई आ रही है और कौन सी सप्लाई हमारी ब्रेक हो रही है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं सबसे पहले अपने मीटर की। ये देखिए हमारा 00 पे है, अभी हो गया है। और ये हमारा एक नंबर का पिन छोड़ के ये दूसरा नंबर का पिन हमारा एनोड का है, यानी कि एलईडी प्लस, यहाँ पे 20 वोल्ट सप्लाई आती है। और इसके बाद चौथा और पांचवा छोड़ के हमारे फीडबैक का पिन है जो कि ग्राउंड है, इसे आप एलईडी कैथोड भी समझ सकते हैं। और यहाँ से 5, 6, 7 और 8वें नंबर की पिन हमारी PWM है, जहाँ पे 480 की रीडिंग आ रही है, यानी कि हमारा PWM कंट्रोल सिग्नल, इनेबल सिग्नल इसी को बोलते हैं, और क्वालकॉम में PWM बोलते हैं, हमारा PWM सही है। अब हम इस IC की टेस्टिंग करेंगे और इसके बाद हम आगे पहुँचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, इस फोन में क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं इस IC को आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। रेड प्रोब को हम ग्राउंड करेंगे और हम ब्लैक प्रोब से इस IC की टेस्टिंग करेंगे। जो इसका नॉच कट पॉइंट होता है, यहाँ से ये IC एक नंबर की होती है, एक नंबर की पिन हमारी ग्राउंड की पिन है, दूसरी ये है दूसरी NC की पिन, तीसरी भी हमारी ग्राउंड है, चौथी पिन है, ये चौथी पिन हमारा स्विचिंग का पिन है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 264 की रीडिंग है, ठीक है। और ये पांचवी नंबर की पिन हमारा PWM जो इनेबल सिग्नल है 478, ये 480 जो मैं आपको चेक करके बताया था कनेक्टर पे। और पांचवें नंबर की पिन हमारा BPH वोल्टेज की पिन है, जहाँ पे 250 से ऊपर रीडिंग आनी चाहिए, जो कि आ रहा है 263 के समथिंग। अब दोस्तों ये हमारा कॉयल है जो कि बूस्ट कॉयल है, बूस्ट कॉयल भी हमारा ठीक है, ओपन नहीं हुआ है, नहीं तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा ओपन नहीं हुआ है। कॉयल को अगर 200 मोड पे करके चेक करेंगे 200 मेगा ओम पे, तो भी ये आपको बता देगा। यहाँ पे देखिए 0.008 या 10 ओम्स की रीडिंग आ रही है, जो कि बूस्ट कॉयल की इतनी ही होती है। तो मैं आपको बूस्ट कॉयल भी चेक करना बता दिया और फिर हम इसे ड्राइवर मोड में सेट कर लेते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, जो जानकारी नहीं होता है जिन भाई लोगों को, अगर ए बूस्ट कॉयल के बाद यहाँ से हमारी सप्लाई डायरेक्ट VPH पावर इस 6 नंबर के पिन पे इंटर होता है और यही 6 नंबर की पिन कॉयल के इस सिरे पे जाती है और फिर वापस से IC में आके IC में स्विचिंग करके इस चौथे नंबर के पिन से होके इस कॉयल पे भेजता है और इसके बाद यहाँ पे एक डाइवोर्ट लगा हुआ होता है और इस डाइवोर्ट से होके फिल्टर होके हमारे इस कॉयल से डायरेक्ट सप्लाई आउट होती है। जो लोग नहीं जानते हैं, अगर एक कॉयल शॉर्ट भी हुआ होगा, ये डाइवोर्ट शॉर्ट भी हुआ होगा तो निकाल दिए होंगे या फिर टूट गया होगा, फिलहाल तो इसमें नहीं है। आप कहीं से भी किसी भी स्क्रैप मदरबोर्ड में से निकाल के डाल सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं AMI 5A का बोर्ड है और इसका लाइट सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसके लाइट सेक्शन से एक कॉयल को निकालेंगे। कॉयल नाम आ जा रहा है बार बार। हम इसके डाइवोर्ट को निकालेंगे।
ये देखिए दोस्तों, ये हम ड्राइबोर्ड को निकाल लिए और इसे हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप इस ड्राइबोर्ड को कहीं उल्टा ना लगा दें। अगर आप उल्टा लगा देंगे तो इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई होती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे भी उल्टा ना लगाएं। ये डाइबोर्ड सीरीज में होता है दोस्तों, तो इसे हमेशा आप सीरीज में ही यूज करें। आप देखिए यहाँ पे एक इसकी पट्टी दी हुई है, एक लाइन दिया हुआ है। ये लाइन इस बात को बताता है कि ये प्लस किस तरफ है और माइनस किस तरफ है। ये जो लाइन है दोस्तों, ये प्लस पॉइंट है। अगर आप इसे प्लस प्लस में छुआएंगे तो कोई भी रीडिंग नहीं बताएगा। लगता है कहीं गिर गया, लेकिन दोस्तों ये गिरा नहीं है, ये हमारे बोर्ड से निकल गया था। मैं इसमें कोई भी एडिटिंग या फिर कोई भी कटआउट नहीं करूंगा दोस्तों, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और इस प्रोब को हम पलट के उल्टा लगाएंगे तो हमारी रीडिंग बताएगा, जो भी इसका रीडिंग होगा। तो आप देख सकते हैं रीडिंग हमारे डिस्प्ले पे शो होती होगी। और इसको लगाने का यही तरीका है दोस्तों कि इसे हम सीरीज में लगाएंगे, प्लस प्लस के तरफ और माइनस माइनस के तरफ। ये इस तरीके से लगेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हमारा 20 वोल्ट आउटपुट करेगा तो इसके नेगेटिव में जाएगा और इसके बाद इसके पॉजिटिव में जाएगा। चलिए हम इसे लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हम यहाँ पे सोल्डिंग करके और इसे लगा दिए हैं बिना हिट किए। अब यहाँ पे हम सप्लाई चेक करते हैं कि क्या सप्लाई आ रहा है। यहाँ पे हमारा 256 की आ रही है रीडिंग, और अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 443 की रीडिंग आ रही है, यानी कि ये सही लग चुका है। इसके बाद यहाँ पे हमारी सप्लाई आती है और यहाँ से होके इस दोनों के क्वाल से होके हमारी आगे कनेक्टर तक पहुंच जाती है। फिलहाल तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ तक की प्रॉपर सप्लाई ओके है। और अगर हम आगे चेक करें इसके कनेक्टर के दो नंबर पिन पे, यहाँ पे भी सप्लाई 400 कुछ जो यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पे भी आनी चाहिए। इसके दो नंबर के पिन पे, लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि इसका ट्रैक कट गया होगा, या फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं आ रही है। तो दोस्तों हम एक काम करते हैं, एक जो यहाँ पे क्वाइल दिख रहा है, यहाँ से हम उठा के एक जम्पर लगाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे हम जम्पर उठाते हैं। और इसके एक नंबर के पिन, सॉरी दो नंबर के पिन पे हम जम्पर लगा देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप ऊपर भी मार सकते हैं, अगर नीचे आपको मारते नहीं बन रहा है जम्पर तो इसके ऊपर भी
मार के और चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप यूवी ग्लू लगा के इसे आप फिक्स कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर बाद में कर दूंगा। पहले हम यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि यहाँ पे जो जम्पर लगा है वो सही लगा है या फिर सही नहीं लगा है। सही लगा होगा तो रीडिंग आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 440 की रीडिंग आ रही है इसके दूसरे नंबर के पिन पे। तो एक बार हम इसे बोर्ड में फिक्स करके चेक कर लेते हैं कि जो डिस्प्ले लाइट हमारी नहीं आ रही थी वो क्या आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर नहीं आती होगी तो हम इसके बूस्ट कॉइल को एक बार रिप्लेस करेंगे, फिर हाल हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके डिस्प्ले में लाइट आ गई है। मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको सेकंड कैमरे में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप सेकंड कैमरे में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे डिस्प्ले में जो लाइट नहीं आ रही थी वो यहाँ पे लाइट आ गई है। अगर ये खुल जाता है पूरा तो मैं आपको दिखा दूंगा ये भी। अभी तो रियलमी के सेकंड लोगों पे है। यहाँ पे दोस्तों हमारी लाइट जल रही है, नहीं तो आपको अच्छे से दिखता, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा फोन ऑन हो चुका है। और अगर हम बात करें इसके टच की, तो इसका टच भी वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं, और फोन वाइब्रेट भी हो रहा है। और अगर हम इसके लाइट को इंक्रीज करें तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, लाइट इसका बहुत ही कम है। और ये लाइट यहाँ पे जैसा जलना चाहिए वहाँ पे लाइट जल नहीं रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लाइट जल नहीं रहा है जिस तरीके से जलना चाहिए। तो एक काम करते हैं दोस्तों यहाँ पे, कि जो हमारा बूस्ट कॉइल है, इस बूस्ट कॉइल को ही हम एक बार बदल देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ये इसका बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, इस कॉइल को हम चेंज कर देंगे तो जो हमारे डिस्प्ले पर की लाइट कम आ रही है वो हमारी जलने लगेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम इसका जो कॉइल है उस कॉइल को चेंज कर दिए हैं। और अभी हम इसे ऑन करके आपको दिखाते हैं कि जो लो लाइट आ रही थी उसका क्या कंडीशन है। ये देखिए दोस्तों, जो लो लाइट आपके सामने आ रही थी वो भी यहाँ पे फुल और प्रॉपर लाइट आ गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये फोन हमारा ऑन हो गया है। और यहाँ पे जो हमारी डिम लाइट आ रही थी और ब्राइटनेस भी कम बेसी नहीं हो रहा था,
कम करने पे कम नहीं हो रहा था और अधिक करने पे अधिक नहीं हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व आउट हो गई है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आप काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आप इस वीडियो से खुश हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आगे आने वाले अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें ऐसे वीडियो की ज़रूरत होगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।